नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, चालाक इंसान की इज्जत हर जगह पे होती है, खास करके प्यार में। क्योंकि अगर प्यार में आप सिर्फ भोले बन के रह जाओगे तो कोई भी आके आपकी ही मार के चला जाएगा। दोस्तों, चतुर और चालाक व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। चालाक इंसान खुद को रोज से अच्छा बेहतर बनाता जाता है। समय के साथ ही साथ चालाकी की मांग जीवन में बढ़ती जाती है। हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चतुर और चालाक बनना चाहिए। वही इंसान सफल होता है प्यार में जो चालाक होता है। चतुरता की बहुत सी प्रसिद्ध कहानियां भी मौजूद है। अगर आप भी यह सोच रहे हैं कि आप चालाक और चतुर कैसे बने ताकि कोई भी लड़की या फिर लड़का आपको छोड़ के चला ना जाए, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको चालाक बनना है तो आप कभी भी किसी को अपनी कमजोरी के बारे में ना बताएं। आप किसी को भी चाहे आप उसको कितने भी करीब मानते हो, लेकिन उसे कभी भी अपने कमजोरी के बारे में ना बताएं। आज जो आपका करीबी है, हो सकता है कि कल वो आपका दुश्मन बन जाए। ऐसे में अगर उसे आपकी कमजोरी पता होगी तो आपको कई तरह के नुकसान वो पहुंचा सकता है। वो आपकी अगर गर्लफ्रेंड भी है तो भी आपकी जो अंदर की बात है वो उसे तब तक ना बताइएगा जब तक कि वो आपकी बीवी ना हो जाए। नहीं तो वो अगर आपको डिच करके किसी और के पास चली गई तो जान लीजिए आपके सारे राज भी उसके साथ चले जाएंगे। आपकी कमजोरी ही वो वार करेगा जिससे आप बहुत जल्द बर्बाद हो सकते हैं। और आजकल ब्रेकअप में यही होता है। अपनी कमजोरी को बस आप ही जानते हो और खुद उसी समय साथ ठीक करने की कोशिश करें, पर दूसरों को इसके बारे में कभी भी ना बताएं। हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि अपनी कमजोरी को किस तरह से दूर करना चाहिए, क्योंकि चालाक और चतुर इंसान कभी भी अपनी कमजोरी किसी को बताता नहीं है, लेकिन वो उसे छुपाता भी नहीं, वो उसे सुधारने की कोशिश करता है। दूसरों की हर गतिविधि पे आपको ध्यान रखना है, आपके गर्लफ्रेंड पे भी। दूसरों के गतिविधि पे आपको दूसरों के बारे में और अच्छा जानने को सीखने को मिलेगा। अपनी हर करीबी इंसान पे आप ध्यान रखो। आपके किसी बात और किसी काम से दूसरे खुश होते हैं और किसी बात और काम से खुश नहीं होते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका कोई करीबी उस काम से खुश नहीं होता है जो काम आपको आने वाले समय में अधिक से अधिक फायदा दे सकता है, तो ऐसे इंसान से दूरी बना लें। किसी दूसरे पर उस समय भी ध्यान रखना चाहिए जब आप किसी से बात कर रहे हो। चालाक इंसान अपने आसपास के इंसान के साथ दूसरी चीजों पे भी ध्यान बयाना रखता है, ये हमेशा याद रखें। चालाक इंसान वही जो हर किसी काम में अपना फायदा और नुकसान दोनों को अच्छे से देख सके। किसी भी काम को करने से पहले उसके फायदे और नुकसान के बारे में जानना चाहिए। यूं ही अंधा प्यार नहीं करना चाहिए किसी भी लड़की से। अगर किसी लड़की से आप प्यार करते हो, शादी करते हो, तो उसे भी फायदा होना चाहिए और आपको भी फायदा होना चाहिए। दोनों का भी नुकसान कभी भी ना होना चाहिए, क्योंकि जब किसी काम को करने में ज्यादा फायदा और नुकसान कम होता है तो चालाक इंसान वही करता है। तो इसीलिए अगर दोनों का भी नुकसान ना हो और दोनों का ही फायदा हो, लड़की का भी और आपका भी, तो जरूर प्यार कर लेना चाहिए। अब आपको अवसर तलाशना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी अवसर को ना छोड़े, हमेशा नए नए अपॉर्चुनिटीज को तलाश करते रहे। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कुछ ही समय में फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है, इसीलिए हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी की तलाश के साथ ही अपने जरूरी काम को भी आपको करते रहना चाहिए, यानी आपका जो भी काम धंधा होगा उसे आप साथ साथ करते रहे और कोई ऐसी लड़की आप ढूंढे जिससे शादी करने के बाद वो भी आपसे खुश रहेगी और आप भी उससे खुश रहोगे।
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ शायद आप समझ गए होंगे। और इसीलिए आपके जो भी रिसोर्सेस हैं ऐसी लड़की ढूंढने में आप लगा दीजिए। अब दोस्तों, समस्या सभी के जीवन में आती जाती रहती है। कुछ लोग समस्या आने पर टूट जाते हैं तो कुछ लोग समस्या आने पर और मजबूत हो जाते हैं। जो अपने जीवन के समस्या को हल करके आगे बढ़ता है वही चालाक इंसान माना जाता है। यानी अगर किसी लड़की के साथ आपका ब्रेकअप हो गया तो आपको उसे छोड़ के आपके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो अगर आप वही बैठे रहेंगे तो वो चालाक इंसान की कैटेगरी में नहीं आता है, ये याद रखें। क्योंकि चालाक इंसान किसी भी हालत में अपने आप का नुकसान कभी नहीं होने देता है। और अब आपको अगली चीज याद रखनी है, वो है जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप किसी भी काम को करने में जल्दी ना करें, किसी भी काम को करने में समय जरूर लें, जितना समय दिया गया है उतना लें। इसके साथ ही किसी भी तरह के वादा या फिर किसी को भी वादा देने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, खासकर लड़की को। वादे के अलावा कुछ भी लिखने और बोलने से पहले आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए। जल्दी करने में आप कोई भी गलती कर सकते हो जिसके कारण आपको किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है। हो सकता है वो लड़की आपका फायदा उठाए और आपको छोड़ के चली भी जा सकती है, जिससे कि बाद में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो इसी तरह से ये कुछ चीजें थी जो इंसान को चालाक बनाती है। क्योंकि चतुर और चालाक इंसान कभी भी प्यार में धोखा नहीं खाता है, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो इसी तरह से ये कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और आपको प्यार में सतर्क रहना चाहिए, चतुर भी रहना चाहिए जब तक कि आपकी शादी ना हो जाए। जब आपकी शादी हो जाती है तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बीवी भी चतुर ही होती है, तभी तो वो आपको चुनती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।